गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सब कुछ सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ दो वर्ण विचार पढ़ेंगे। जैसे इसमें दिया है पेड़ और आम। ऊपर बने चित्रों को देखकर जब हम उनके नाम पढ़ते हैं तथा उनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है जो क्रमशः इस प्रकार है। जैसे पेड़, पेड़ में यहाँ देखेंगे कि पेड़ में कौन कौन सा वर्ण आ रहा है। प अनुस्वार जोड़ ए जोड़ अंग अनुस्वार जोड़ अ, यहाँ पे पेड़ का संधि विच्छेद किया गया है। आम आ जोड़ म अनुस्वार जोड़ अ, यहाँ म में अ आ रहा है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वे वर्ण कहलाती है। वर्णों की परस्पर मेल से ही शब्द का निर्माण होता है, अर्थात शब्द कई वर्णों के मेल से बनता है। जो भी शब्द होता है वो कई वर्णों को मिलकर हम लोग शब्द को बनाते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण, इसको हम लोग इंग्लिश में अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त होने वाली वह ध्वनि तथा ध्वनि चिन्ह जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे क ख ग घ अ आदि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के भेद, हिंदी भाषा में वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर, जिसको भवेल्स कहते हैं। दूसरा है व्यंजन, जिसको कॉन्सनेंट कहते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वह स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुंह के किसी भी भाग से नहीं टकराती। ए या 11 तरह के होते हैं, जैसे अ आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री ए ए ओ ओ। री, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में किसी प्रकार किसी इसका प्रयोग संस्कृत से आए शब्दों में अर्थात तत्सम शब्दों में होता है। जैसे ऋषि ऋषि रीढ़ ऋतु आदि, ये सभी शब्द जो हैं वो संस्कृत भाषा की ही हैं। कृपया कृष्ण दृश्य सृष्टि आदि। अन तथा अह, इन दोनों का स्वरों की तरह स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। इन्हें न तो पूरी तरह स्वर कहा जाता है और न व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। बच्चों, ऊपर मात्रा, हर स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप उसकी मात्रा कहलाता है। स्वर और उनकी मात्रा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्वर दिया है और उसकी मात्रा दिया है, उसके बाद उसका शब्द हुआ बना है। जैसे अ, अ की कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ पे क ल कल। आ, यहाँ आ की मात्रा है। किसी भी शब्द में हम लोग आ की मात्रा लगाते हैं। जैसे क में आ की मात्रा का और र कार। छोटी, यहाँ छोटी की मात्रा है। छोटी की मात्रा की और श किश। बड़ी, बड़ी की मात्रा यहाँ दिया है की ल की। छोटा हो, छोटा हो की मात्रा यहाँ दिया है कुछ कुछ। बड़ा हो, बड़ाओं की मात्रा यहाँ दिया है कूद कूद। यहाँ पे दिया है स्वर री, यहाँ री की मात्रा दिया है। जैसे कृष्ण ए, ए की मात्रा में के ला केला। ए, ए की मात्रा यहाँ दिया है कै द कैद। ओ, ओ की मात्रा दिया है कोयल कोयल। ओ, यहाँ ओ की मात्रा दिया है कौ न कौन। मात्रा प्रयोग से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे हस्व स्वर युक्त स्वर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दीर्घ स्वर युक्त स्वर। वह, वह, यहाँ पे वह, वह कहने के लिए हमें कम समय लग रहा है और यहाँ पे दीर्घ स्वर यानी कि लंबा समय लग रहा है। वह कल काल काला काली, यहाँ पे जो शब्द हम लोग बोल रहे हैं काल काला काली, तो यहाँ दीर्घ स्वर लग रहा है यानी कि समय ज़्यादा लग रहा है। जल जाल जाला जाली। मल, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ कम समय लग रहा है। माल माला माली। पल
पाल पीला फूल, टल टाल टीला। स्वर के भेद, स्वर के भेदों को उनके उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है। पहला है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है क्लुतु स्वर। हर्ष स्वर जिसे शॉर्ट वोवेल्स कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये चार हैं, जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ तथा री। दूसरा है दीर्घ स्वर जिसको लॉन्ग वोवेल्स कहते हैं, जिन्हें बोलने में हर्ष से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल सात हैं, आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ तथा ओ। क्लुतु स्वर जिसे लॉन्गर वोवेल्स कहते हैं, यानी कि कुछ ज़्यादा समय, जिस स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उन्हें क्लुतु स्वर कहते हैं। यह केवल एक है, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इसका चिन्ह तीन है। क्लुतु स्वर युक्त शब्द का उदाहरण है, जैसे ओम, यहाँ पे ओम लिखा है। बच्चों यहाँ दिया है व्यंजन जिसको कॉन्सनेंट हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। स्वतंत्र का मतलब होता है कि वो फ्री नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, उसके ऊपर किसी न किसी का बोझ लगा हुआ है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता तथा जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को स्वर रहित रूप से हलंत लगाकर लिखा जाता है, जैसे क, अनुस्वार ख, अनुस्वार ग, अनुस्वार घ, अंग आदि। पर इनका उच्चारण इस रूप से नहीं किया जा सकता। इनके उच्चारण के समय इनका क जोड़ अ, यानी कि क जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें अ की अ रहता है, इसलिए क, ख, ख में भी ख जोड़ अ, ख, यह रूप सामने आता है। कहा जा सकता है कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जा सकता है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। हलंत स्वर रहित वर्णों के नीचे लगी टेढ़ी रेखा हलंत कहलाती है।